हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक हैं। वीडियो का टाइटल तो आपने ऑलरेडी देख लिया है, इट इज येट अनदर आइकॉनिक स्ट्रेटनर वीडियो। सो वॉच टिल द एंड, इट इज गोइंग टू बी इन डेप्थ, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इस बार हमारे पास है आइकॉनिक का S3+ स्ट्रेटनर। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल कलर। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिए। Subscribe to my channel if you have not already done so and let's begin. So ये है आइकॉनिक का S3+ सेरामिक स्ट्रेटनर। MRP है इसका 4650 रुपीस। इसमें आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है। इसमें आपको तीन कलर्स मिल जाते हैं, एमरल्ड, ब्लू एंड ब्लैक। आई थिंक ब्लैक वाले की प्लेट रेड है और उसका प्राइस 4800 था, मैंने नायका पे देखा था। और आइकॉनिक की वेबसाइट पे आप देखोगे तो जनरली आपको 20% डिस्काउंट मिल ही जाता है। ऑल्दो आई डू नॉट बाई इट ऑनलाइन, मैं अप्लायंसेस, हेयर अप्लायंसेस फिजिकल शॉप से लेती हूँ। मुंबई में काफी सारी शॉप्स है जहाँ इसके डीलर्स अवेलेबल है। इसमें आपको डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल पैनल मिलेगा जिसमें टेम्परेचर एडजस्टेबल है। 110 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम एंड ये 235 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप हो जाता है। इट इज शैम्पेन गोल्ड शिमरी सॉर्ट ऑफ प्लेट, नॉट लाइक अ डल बोरिंग स्ट्रेटनर दैट वी सी जनरली। तो ये चीज मुझे इसकी बहुत पसंद आई। बाकी इसकी बनावट बहुत ही स्लीक है। आई मीन इट्स नॉट टेकिंग लॉट ऑफ स्पेस। इनफैक्ट द टेम्परेचर सेटिंग एंड द बटन ऑल्सो दे आर वेरी स्मॉल और एकदम छोटे से एरिया में सब कुछ आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी डिजाइनिंग काफी कॉम्पैक्ट की गई है एंड इट इज ऑल्सो लाइट वेट। सिरामिक प्लेट्स है तो फ्रिजी हेयर के लिए काफी अच्छा होगा। चौड़ाई की बात करूँ तो 1 इंच जितना चौड़ा ये प्लेट है और लंबाई इसकी ऑलमोस्ट 4 इंच है। आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मैं कह सकती हूँ ये मल्टी स्टाइलर भी है। आप इससे कर्ल्स भी बहुत अच्छे निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया से कर्ल्स भी बनेंगे, मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताऊंगी। एंड देन इट इज एडजस्टेबल प्लेट, तो आपके बाल खींचेंगे नहीं और काफी इवनली ये आपके बालों को स्ट्रेट कर देगा। नाउ अगेन बिकॉज इट इज स्लिम प्लेट एंड इट इज राउंडेड, आप अगर बैंग्स रखते हो या आपके बहुत ही शॉर्ट हेयर हैं तो भी ये रूट्स पे जाकर के अच्छे से स्ट्रेट करेगा। इसमें नेगेटिव आयरन टेक्नोलॉजी है, इसमें ओवर हीट प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। ज्यादा हीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली शट हो जाता है, बहुत जल्दी हीट भी हो जाता है और बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है। नाउ इट कम्स विद अ टैंगल फ्री कॉर्ड जो 360 डिग्री घूम जाता है, सो स्टाइलिंग के दौरान आपको ये दिक्कत नहीं देगा, कहीं फंसेगा नहीं। कॉर्ड की लंबाई भी काफी ज्यादा है, I would say it is 9 feet approximately. And now without wasting any time, I am going to use this appliance right in front of you. यहाँ पे मैं पहले इसे स्विच ऑन करने वाली हूँ। छोटे से बटन है, काफी स्लीक है, so I have to switch it on. एक बार आप प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाता है। I don't know if you guys can see. एंड देन टेम्परेचर मैं ऑफकोर्स मैक्सिमम ही रखने वाली हूँ, 235 डिग्री पे मैं रखूंगी। बिफोर वी स्टार्ट यूजिंग दिस आई वुड लाइक टू गिव सम कॉमन टिप्स जो मैं अपनी हर स्ट्रेटनर या हेयर अप्लायंस वीडियो में देती हूँ। हेयर आपको वॉश करना है, ऑयल वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट बाल में छोड़ना नहीं है जिसकी वजह से बिल्डअप होता है और स्ट्रेटनर की जो प्लेट्स है उस पर वो गंदगी जमा होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो आप ठीक से क्लीन नहीं कर पाओगे तो प्लेट्स खराब हो जाती हैं। तो आप महंगी चीज़ें खरीदते हो तो उसका केयर भी आपको करना पड़ेगा। हेयर वॉश करके ही आप स्ट्रेटनर यूज करना एंड सीरम अप्लाई कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, बट डोंट ओवर यूज द सीरम। हीट प्रोटेक्टिंग मिस्ट आपको यूज करना ही है। अनफॉर्चुनेटली मेरा हीट प्रोटेक्टिंग मिस्ट जो मैं अभी ब्लेंड का यूज करती हूँ वो आज ही खत्म हो गया था, मैंने ऑर्डर किया है। सो फॉर नाउ आई एम नॉट यूजिंग हीट प्रोटेक्टिंग मिस्ट, बट यू हैव टू डू इट। सो आई विल स्टार्ट बाय सेक्शनिंग माय हेयर। मैं ब्लो ड्राई करती हूँ बाल को तो उससे ही काफी हद तक मेरे बाल सॉर्टेड हो जाते हैं, इसीलिए ये थोड़ा आपको मैनेजेबल लग रहा है। अदरवाइज वॉश के जस्ट बाद तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी दिखते हैं और बहुत ज़्यादा नॉट सो मैनेजेबल होते हैं। सो यहाँ पर मैं फ्रंट सेक्शन ले रही हूँ, पहले थोड़ा सा कोम आउट किया है एंड देन लेट्स स्टार्ट। Wow, I mean, just look at that. सिर्फ एक बार मैंने किया है and look at the shine. जरूरी नहीं है कि आप एकदम पिन स्ट्रेट बाल करो। अब जैसे इसमें जो ये राउंड एज है इससे आप इसको थोड़ा सा नेचुरल लुक दे सकते हो, जैसे कि आप ऐसे स्ट्रेट जाओ, जब आप नीचे आते हो ना तो थोड़ा सा स्ट्रेटनर को गोल घुमा दो, दैट वे यू विल गेट दिस राउंडेड इफेक्ट ओवर हियर। सी इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। Let me take some more section.
मेबी फ्रॉम हियर। आइडियली आपको प्रॉपर सेक्शनिंग करनी चाहिए, बट आज मेरी सेक्शन क्लिप का बॉक्स मुझे नहीं मिल रहा था, सो आई एम जस्ट डूइंग इट दिस वे। और थोड़ा सा कॉम जरूर कर लो आप। तो आपके बाल अगर बहुत ओवरली फ्रिजी होते हैं ना, या बहुत कर्ली है, तो आई वुड से स्ट्रेटनिंग के पहले आप ब्लो ड्राई जरूर कर लो, उससे बाल थोड़े ना सॉर्टेड हो जाते हैं और फिर स्ट्रेटनिंग में आसानी होगी। ओके, बाल एकदम इजीली ग्लाइड हो रहे हैं, बिल्कुल कहीं फंस नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा है, एंड आई लव दिस। एक ही चीज है कि ऑब्वियसली जो आइकॉनिक के हर स्ट्रेटनर में हो रहा है और जनरली हर अच्छे स्ट्रेटनर में ये मैंने देखा है, आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे रखते हो ना तो बॉडी बाहर से गर्म हो जाती है, इसमें थोड़ी स्मेल आ रही है अजीब सी, जैसे ट्रेन के डब्बों से आती है, बट एनीवेज रिजल्ट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डिफरेंस दोनों ही हेयर्स में। These are my normal wash hair. वैसे ब्लो ड्राई से भी काफी अच्छा इफेक्ट आता है, बट स्ट्रेटनर इज स्ट्रेटनर, वी हैव टू अग्री। नाउ लेट मी क्विकली कम्प्लीट द अदर साइड ऑफ माई हेयर एंड देन वी कैन सी हाउ वी कैन डू कर्ल्स विद दिस स्ट्रेटनर। सो हियर आई एम डन विद माई हेयर एंड जस्ट लुक एट देम। तो अब देखते हैं कि आपको बालों में कर्ल्स कैसे करना है यूजिंग दिस स्ट्रेटनर। फ्रंट का एक सेक्शन लिया है मैंने, प्लेट के बीचों बीच इसे डालना है। टर्न योर स्ट्रेटनर और फुल नीचे की तरफ आ जाओ, थोड़ा आउटवर्ड ही रखना है, धीरे 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 करके आना है, एंड डन। जस्ट लुक एट दैट ब्यूटिफुल वेवी कर्ल्स। लेट्स ट्राई समथिंग ओवर हियर एज वेल। ये सेक्शन आपने लिया एंड देन ट्विस्ट इट, एंड थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो इतना भी ज्यादा टाइट नहीं होगा, कैन सी, फिर आपको लेंथ नीचे से मिलेगी। और सीधे अगर आप आ रहे हो, जब आप ट्विस्ट करोगे ना, बस वहीं से कर्ल स्टार्ट होगा और यहीं से आपको स्ट्रेट नीचे आना है। सी, ब्यूटिफुल इजंट इट। ये छोटा सेक्शन फ्रंट का मैं ले रही हूँ दोबारा से, सेम उल्टा मैंने स्ट्रेटनर यूज किया है और नीचे से यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको राउंड करती हूँ। एंड सी हाउ टू जस्ट फ्लिप इट एंड लुक एट दिस। फीचर्स तो हमने इसके सारे देख लिए हैं, डाउनसाइड पे यही है कि ये ओवरहीट होता है, जो कोई भी स्ट्रेटनर होता है, तो वो तो मैंने अब कॉन साइड में देखना ही बंद कर दिया है। इसके अलावा अब बिकॉज ये बहुत ही पतला सा है, तो बहुत चौड़े बाल है, लंबे बाल है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उस केस में आप आइकॉनिक का ही दूसरा है, आई थिंक इट इज टाइटेनियम शाइन, आई डू नॉट रिकलेक्ट द नेम, ये वाला स्ट्रेटनर आप ले सकते हो। काफ़ी ब्रॉड प्लेट्स है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, पर पतली प्लेट होने का एक फायदा यह है कि आप रूट्स पे जाकर के काम कर सकते हो, एक एक बाल इसमें आ जाता है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्प स्ट्रेटनिंग होती है, इवनली होती है, बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग होती है, तो ये भी इसके फायदे ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्ट्रेटनर ऑल टुगेदर गलत या सही होता है, हाँ अगर क्वालिटी ही खराब हो तो अलग बात है। आज की डेट में आइकॉनिक के पास बहुत सारे स्ट्रेटनर आ चुके हैं वेरियस रेंज में से, और मेरे से जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट आई कैन नॉट कवर ऑल ऑफ देम। तो एक छोटी सी टिप मैं आपको दे सकती हूँ बेसिस विच यू कैन चूज अ स्ट्रेटनर फॉर योर हेयर। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके हेयर की क्वालिटी कैसी है, टेक्सचर कैसा है। सेकेंडली, जो आप स्ट्रेटनर लेने जा रहे हो उसकी प्लेट की क्वालिटी क्या है, मतलब इन जनरल आपने सुना होगा दो तीन ही वराइटी है यहाँ पे, सिरामिक कोटेड, टॉर्मेलाइन एंड टाइटेनियम, और इसमें टॉर्मेलाइन कोटेड भी हो सकता है या टाइटेनियम कोटेड भी हो सकता है। तो आपके बाल पतले हैं, थोड़े मीडियम थिक हैं, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, मीडियम थिक है, हल्के फ्रिजी भी हो जाते हैं और यू नो मैनेजेबल नहीं है, तो ये वाला भी सिरामिक भी मोस्ट ऑफ द टाइम सिरामिक ही डेली यूज में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, आपको टाइटेनियम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइटेनियम ज़्यादा करके प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं जिनके पास टाइम थोड़ा कम होता है और उनको बहुत जल्दी हीटअप होने वाला स्ट्रेटनर चाहिए और बहुत ज़्यादा बालों को स्ट्रेट कर दे वैसा चाहिए, तो वो टाइटेनियम यूज़ कर। बाद में आपको देखना है कि टेम्परेचर सेटिंग क्या रखनी है। मान लो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया ज़्यादा थिक बालों के लिए जो टाइटेनियम प्लेट्स होती है, आपने वो ले लिया है, बट आपके बाल बहुत थिन है जैसे मेरे हैं, बहुत
ज्यादा डैमेज्ड हैं, तो आपको हाई टेम्परेचर नहीं रखना है एंड यू कैन यूज टाइटेनियम प्लेट्स ऑल्सो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके बाल पतले हैं तो आप सिरामिक यूज करो, टाइटेनियम यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको होलिस्टिक वे में इसको देखना है। टेम्परेचर सेटिंग आप अगर मॉडरेट रखते हो तो कोई भी बाल को आपको डैमेज नहीं कर सकता स्ट्रेटनर, लेकिन आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे यूज कर रहे हो जो जरूरत नहीं है आपके बाल को, बाल पतले हैं आपके तो बाल जल सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो टेम्परेचर भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा आपको प्लेट की चौड़ाई भी देखनी चाहिए और लंबाई भी देखनी चाहिए। आपके बाल बहुत थिक बहुत लंबे हैं तो ऑब्वियसली ना ऐसे पतली प्लेट से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बोर हो जाओगे, थक जाओगे, तो आपको थोड़ी चौड़ी प्लेट वाले स्ट्रेटनर यूज कर लेना चाहिए, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया है, आई होप इससे आपके लिए परचेसिंग डिसीजन आसान हो जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डिटेल में आप बोल दीजिए आपके जो भी डाउट्स हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। बाकी दिस वन इज अ रियली गुड वन टू ट्राई। आप सोच रहे थे तो सोचना बंद करो एंड गो ग्रैब दिस वन ऑन अ गुड डिस्काउंट। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, एंड मेरी अगली वीडियो में भी मुझे जरूर मिलना। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।